जी शिक्षक शिक्षिका की जगह आपको अपने सर या मैडम का नाम लिखना है। विद्यार्थी की नाम की जगह आपको अपना नाम लिखना है। नमस्ते प्यारे बच्चों, हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वच्छ होंगे। आइए आज हम झा था और ठा अक्षर का अभ्यास करें। नीचे दिए गए चित्र को पहचान कर उनकी पहली आवाज़ के अक्षर पर ट्रेसिंग करें। देखो बेटा, झा झूला, झा झाड़ू, था थर्मस, था थाली, ठा ठटेरा, ठा ठप्पा। ठीक है, ये थी झा ठा और ठा की पहचान। दूसरा देखिए, चलिए नीचे दिए गए चित्रों को पहचान कर उनके नाम की पहली आवाज़ वाले अक्षर पर गोला लगाएं। देखो, झा झरना, झा झंडा, तो हमने झा पे लगाया गोला। था थन, था थानेदार, तो हमने था पे लगाया है। ठा ठटेरा, ठा ठोड़ी, हमने ठा पे लगाया है। था थैला, था थर्मामीटर, तो हमने था पे लगाया है। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन। अब दिए गए शब्दों को पढ़िए और उनका मिलान कीजिए चित्र से। देखो ये क्या है, पढ़ रही है लड़की, तो हमने पढ़ा पढ़ से लगाया है। नीचे क्या है, दासा दस, तो हमने दस से लगाया दिया है। वाना वन को हमने वाना वन से कर दिया है और बाला बल को हमने बाला बल से कर दिया है। ठीक है, आइए अब नीचे दिए गए अक्षरों को जोड़कर शब्द पढ़ना सीखें। देखो तीन अक्षर वाले शब्द है बेटा ये, बा टा ना, बटन, का मा ला, कमल, मा टा रा, मटर, का मा रा, कमर। शिक्षक शिक्षिका के लिए अनुदेश, बच्चों के साथ गतिविधियों के बारे में अवश्य बात करें। अभिभावकों के लिए सुझाव, झा था और टा अक्षर की आवाज़ और उनकी बनावट का अभ्यास करने वे तीन अक्षरों को जोड़कर शब्द पढ़ने के लिए बच्चों को प्रेरित करें। ठीक है, ऐसे ही जैसे तीन अक्षर वाले शब्द लिखे हैं, इन्हें जोड़कर पढ़ने का प्रैक्टिस करवाएंगे आपके पेरेंट्स, जो आपके मम्मी पापा हैं। ठीक है, जैसे बा टा ना बटन, का मा ला कमल, मा टा रा मटर, का मा रा कमर, और भी बहुत से हैं। ठीक, ये थी आज की वर्कशीट। अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।